चलन औरत, मैंने तुझे पनाह दी और तू इस पवित्र स्थान में इतने गंदे काम कर रही है। कुछ महीनों पहले की ही बात है, मोहिनी विदेश से औषधि विज्ञान पढ़कर अपने गांव के एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास आई थी, जो चमत्कारी औषधियां बनाकर गांव का भला करते थे। गुरुजी, मुझे सदा के लिए अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी ने भावुक होकर मोहिनी को अपनी शरण में ले लिया, पर मोहिनी का मकसद कुछ और ही था। वो छुपकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही थी और एक दिन गुरुजी को ये सब पता चल गया और तब। मोहिनी, तू मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा कर रही है। सेवकों, मोहिनी को इसी वक्त कुटिया से बाहर निकाल दो। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहिनी ने कुछ ऐसा किया था कि कुटिया के सारे लोग गुरुजी को छोड़ मोहिनी की तरफ हो चुके थे। किसी ने गुरुजी की बात नहीं मानी और शाम ढलते ही गुरुजी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मोहिनी ने उन्हें रातों रात गायब करवा दिया और गाँव वालों से कहा, मैं सारे गाँव को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने निर्वाण ले लिया है। मैंने आप सबकी सेवा में निर्वाणा भवन नाम का एक भवन बनवाया है, लेकिन याद रहे, पुरुषों का शाम में निर्वाणा भवन आना वर्जित है। रोज शाम को निर्वाणा भवन में कुछ ऐसा होता था जो सबकी सोच से परे था। सच का पता लगाने जो भी पुरुष शाम को निर्वाणा भवन में जाता था और अंदर का नजारा देखता, वो पागल होकर ही बाहर लौटता था। ये बात जब मोहिनी के पिता को पता चली तो वो घबरा गए और उसी शाम अपनी बेटी मोहिनी से मिलने निर्वाणा भवन चले गए। जहां एक तरफ मोहिनी अपने पिता को निर्वाणा भवन के अंदर देखकर चौंक गई, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के पिता ने जो निर्वाणा भवन के अंदर होते हुए देखा, वो देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। क्या अब मोहिनी के पिता भी बाकी पुरुषों की तरह पागल होकर निर्वाणा भवन से लौटेंगे? आखिर शाम ढलने के बाद निर्वाणा भवन में ऐसा क्या होता है जो देखकर सब पागल हो जाते हैं? क्या किया मोहिनी ने गुरुजी के साथ? यहाँ पे बस इतना ही। आगे सुनना है तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।